हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको टॉस का न्यू रूल बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये मालूमात नहीं है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से, टॉस की बोर्ड ऑफिस से जो है ये न्यू रूल जो है 2023 से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पे परेशान हैं। तो आज की वीडियो में ये आपको डाउट को क्लियर कर देंगे और आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले क्या होता था, 2023 से पहले जो भी स्टूडेंट्स अप्रैल में एग्ज़ाम लिखते थे टॉस का, एसएससी का और इंटरमीडिएट का, तो उसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट में उन लोग फेल हो गए, वन सब्जेक्ट में या टू सब्जेक्ट में, टेंथ क्लास में फेल हो गए, तो उन लोग जो है फिर से सप्लीमेंट्री अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम रहता था, वो उन लोग लिख दिए थे। तो उन लोग लिख के जब पास हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिख के जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब पास हो जाएंगे तो एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी 2023 से जो है टॉस की बोर्ड ऑफिस से ये एक नया रूल आया कि जो भी अभी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, अब उसका रिजल्ट आ गया था दिसंबर में, तो दिसंबर में जब रिजल्ट आ गया है उसका, तो आप लोग अभी 11 तक डेट थी एडमिशन की टॉस की, तो जो भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम लिखे थे फेल हुए, सो उन लोग फिर से पास हो गए थे अक्टूबर में 2023 में, उन लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ये मेंशन किया गया है, दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एडमिशन इन 2023 टू 2024 शुड बी पास्ड इन अप्रैल में एग्जाम्स ऑफ 2023। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स 2023 से 2024 में एडमिशन के लिए जो है ज्वाइन होना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री पास वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, टॉस में एडमिशन नहीं होगा आपका। आप कहीं पर भी विजिट करिए, आप स्कूल को विजिट करिए या इंस्टीट्यूट को विजिट करिए, कहीं पर भी जान दो, आपको एग्ज़ाम नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये नया रूल है, आप लोगों को समझ लेना है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अभी एडमिशन फेल नहीं हो के एडमिशन ले लिए 2023 में, अब वो सभी स्टूडेंट से, एसएससी और इंटरमीडिएट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा अप्रैल का, उसमें आप लोग एक भी सब्जेक्ट में फेल मत होइए, ठीक है। अगर एसएससी के स्टूडेंट्स कोई भी एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो फिर आपको इंटरमीडिएट में वो साल से अगले साल का एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको 2025 में ही एडमिशन लिखना लेना होगा, फिर 2026 में आप लोग एडमिशन एग्ज़ाम लिख सकते, याद रख लीजिए। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट अगर सप्लीमेंट्री में पास हो गया तो वह एडमिशन ले सकता था, लेकिन अभी 2023 से जो है ये नया रूल है कि जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में पास हो गए हैं, उन लोगों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। जब न्यू नेक्स्ट ईयर आएगा, अप्रैल जून जुलाई में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, तब ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखे थे वो पास हो गए हैं, तो अभी एडमिशन आप लोग नहीं ले सकते थे, ठीक है। 11th दिसंबर लास्ट डेट थी, तब भी आप लोग नहीं ले सकते थे ना। अभी अगर डेट भी एक्सटेंड होने के चांसेस तो नहीं है, अगर डेट एक्सटेंड भी हो गई आप लोगों की, तब भी आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते टॉस के सप्लीमेंट्री पास वाले, ठीक है। ये आपको क्लियर यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ, एक न्यू रूल यहाँ से लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी बोर्ड का, ठीक है। अब तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 2024 एसएससी स्टूडेंट्स जो है फेल मत होइए, एक भी सब्जेक्ट में फेल मत होइए, कोशिश करिए पूरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से आप पास जरूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप, मैं आपको जरूर वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी टॉस एसएससी स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूं 2024 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन मिस कर दी है, फेल सप्लीमेंट्री में पास हो गए थे कोई सब्जेक्ट में, जब फेल हो गए थे और फिर उसके बाद एग्ज़ाम लिख के अक्टूबर का जो है पास आ गया था, तो आप लोगों को अब एडमिशन जो है वो 2024 में ही मिलेगा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम रहेगा वो 2025 में रहेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और एक एक बात यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं टेंथ क्लास पास कर लिया हूँ 2023 में अप्रैल में, अप्रैल के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें मैं पास हो गया हूँ, रिजल्ट आ गया है, क्या मैं इंटरमीडिएट में अगर अभी ज्वाइन हो गया तो क्या मैं
इंटरमीडिएट 2024 में एक साल में कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? देखिए, याद रख लीजिए, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी बोर्ड का ये रूल है कि आप 10th क्लास कंप्लीट कर लिए बाद, एसएससी कंप्लीट कर लिए बाद जो है 1 ईयर का गैप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 1 ईयर का गैप नहीं है, मतलब आप 2023 में 10th क्लास पास कर लिए है, फिर टॉस इंटर में फर्स्ट ज्वाइन कर लिए है, तो आपको 2 साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा इंटरमीडिएट में एडमिशन में, ठीक है। यानी कि आप एसएससी जो है 2023 में कंप्लीट हो गया, फिर आप इंटरमीडिएट में ज्वाइन हो गए, तो आप इंटरमीडिएट का आपका जो है अप्रैल 2024 में एग्जाम्स रहेंगे 4 सब्जेक्ट्स के, फिर उसके बाद 2024 का पूरा कंप्लीट ईयर, फिर 2025 का अप्रैल मई में आपका लास्ट एग्जाम, एक एग्जाम रुक जाएगा जिसको NF बोल के आएगा। तो एक एग्जाम आप लैंग्वेज का, आप जो भी लैंग्वेज लिए वो आप कंप्लीट कर सकते हैं 2025 में, ठीक है। तो याद रख लीजिए, SSC कंप्लीट करे बाद ये बोर्ड का रूल है कि आपको 1 ईयर का गैप रहना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप 2023 में SSC कंप्लीट कर लिए, तो आप जो है 2024 में आप एडमिशन अगर इंटरमीडिएट में लिए, 23 में नहीं लिए आप, 24 में लिए, तो आपका 25 में 1 ईयर इंटरमीडिएट सिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई फिर भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं मालूम है, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे यही डाउट पूछ रहे, सर हम सप्लीमेंट्री में पास तो हो गए हैं, हमारा रिजल्ट 1 सब्जेक्ट में फेल था, हम जो है वो सब्जेक्ट जो है अक्टूबर में लिख के बहुत मेहनत करे हैं सर, मैथ्स में, इंडियन कल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोई इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स का बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करे थे, कोचिंग लिए थे, ट्यूशन लिए थे कहीं और, तो बहुत लर्न करे बाद भी जो है अब उनका रिजल्ट पास आ गया है सप्लीमेंट्री में, वो लोग पास हो गए हैं, लेकिन क्या हम इंटरमीडिएट में टॉस में अब एडमिशन ले सकते क्या? नहीं ले सकते आप लोग, क्योंकि टॉस का जो है नया रूल मैं आपको अभी बता दिया हूँ, नया रूल आ गया है कि जो भी स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री में पास हुए वो साल एडमिशन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, 2024 को वेट करना पड़ेगा, 2024 में ही आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं इंटरमीडिएट में। अब जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री में पास हो गए हैं, अभी अक्टूबर का एग्जाम लिखे थे और पास हो गए हैं, दिसंबर में रिजल्ट आया था, पास हो गए हैं, वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2024 जून जुलाई में रेगुलर का एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही दूसरे ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी है, वैसे ही इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब में आप लोग अपना ग्रेजुएशन, अपना डिग्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में, जो भी इंटरमीडिएट ये साल कंप्लीट करे है। ये साल 2023 में दिसंबर में आपको एडमिशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एडमिशन क्लोज्ड है, रेगुलर में भी आप एडमिशन नहीं ले सकते डिग्री में, ना ही आप जो है कोई डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। याद रख लीजिए, ये साल आप एडमिशन कहीं पर भी नहीं ले सकते, चाहे इंटरमीडिएट आप कौन सा भी रेगुलर कंप्लीट कर लें दो या टॉस से आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लें दो, आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको 2024 तक वेट करना है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाह रहे तो आप डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ तेलंगाना दोस्त ID से ऑनलाइन आप एडमिशन ले सकते हैं रेगुलर कॉलेजेस में, जून में ओपन होगा, जून या जुलाई की लास्ट तक जो है डिग्री का एडमिशन ओपन होगा रेगुलर का, और जो डिस्टेंस से करना चाह रहे तो वो भी जो है जुलाई तक एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे आप लोगों के डिग्री के, कौन सा भी कोर्स आप डिग्री फर्स्ट ईयर कर सकते हैं इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, कामरान द एजुकेटर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए अपनी, अल्लाह हाफिज़।